सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रकाश न्यूज लाइव पे। अभी आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एईएस और चमकी बुखार को लेकर जागरूकता संग्रहालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर निकाला गया है, जो विभिन्न प्रखंड में 25 वाहनों पर रवाना किया गया है, जिसमें 385 तीन पहिया वाहन है जो प्रखंड के मुख्यालय में प्रसार प्रसार के लिए निकाला गया है। वही आपको बता दें कि अभी तक 410 प्रचार वाहन जो एईएस को लेकर निकाला गया है। अभी का बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिला के से आ रही है जहां पर एईएस को लेकर निकाला गया है। आइए वीडियो के माध्यम से देखिए। आपको बता दें कि पिछले साल 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें सिस्टम और सरकार की लापरवाही को उजागर किया गया था। वही इस वर्ष अब तक 37 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चे की मौत हो चुकी है। वही अच्छी तरह से इस बार 26 बच्चे ठीक हो चुके हैं। और अभी आपको बता दें, अभी जिला अधिकारी ने डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा संग्रहालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर प्रचार गाड़ी को अभी रवाना किया गया है। जैसे कि अभी कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले अभी प्रकाश न्यूज लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है। आइए कुछ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे मुजफ्फरपुर जिले के लिए, और इसके लिए हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। दो स्तरों पर हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। एक तो इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो, जिसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज में, PHC में, सदर हॉस्पिटल में, सभी जगह बेड की पर्याप्त संख्या, दवा, डॉक्टर सबकी पर्याप्त संख्या हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। दूसरा, लोगों में जागरूकता हो कि जल्दी से जल्दी वो बच्चे को लेकर के अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो हॉस्पिटल आ जाए हमारे, और दूसरा उनको बच्चों को बचाएं इस भीषण गर्मी में। तो दो स्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक जागरूकता फैलाने का और दूसरा इलाज की मुकम्मल व्यवस्था। आज का जो कार्यक्रम है वो जागरूकता फैलाने का जो हमारा कार्यक्रम है उसी की कड़ी में ये है। हम लोगों ने आज कुल 25 गाड़ी जो है माइक के साथ यहाँ से जिला समाहरणालय से अभी फ्लैग ऑफ किया है, और वो पंचायतों में जाएंगे और पंचायत में घूमेंगे। इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक प्रखंड से पंचायतवार गाड़ी इसी तरह से माइक के साथ फ्लैग कर रहे हैं। आज हमारे सभी BDO, CO, CDPO, MOIC, BHM ये सभी लोग वहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो कुल 385 पंचायत में 385 हमारे छोटे वाहन हैं, विशेषकर इसमें टेम्पू हैं, और 25 यहाँ से हम लोगों ने जिला स्तर से भेजा है, और सभी पंचायतों के सभी गांवों में ये कार्यक्रम होगा। पूरे 3 दिन तक माइकिंग की जाएगी माइक के माध्यम से, और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अब चूंकि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उनको बाहर धूप में, लू में नहीं निकलने दें, और उनको अगर कोई लक्षण चमकी बुखार का दिखता है तो तुरंत वो नज़दीकी जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेकर के आएँ, समय बर्बाद नहीं करें। इस जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज ये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। तो 25 और 385 इतनी गाड़ियाँ हमारी 3 दिन तक सभी पंचायत के सभी गांवों में घूमेंगी और माइक से प्रचार प्रसार करेंगी।